दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा किया गया बल्ब का आविष्कार इतिहास में सबसे बड़ा आविष्कार था। बल्बों पर निरंतर शोध के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि एलईडी और सेफल बल्ब अन्य दूसरे बल्बों की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। जब बल्बों में चुनाव करने की बात आती है तो हम विचार करते हैं कि कौन सा बल्ब लेना बेहतर होगा, एलईडी या फिर सीएफएल। बिजली की खपत किस बल्ब के उपयोग करने से कम होगी, कौन सा बल्ब ज़्यादा चलेगा, एलईडी और सीएफएल बल्ब में क्या अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं सीएफएल और एलईडी बल्ब में क्या अंतर होता है तथा इनका आविष्कार कब हुआ। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सीएफएल बल्ब में और एलईडी बल्ब में कौन कौन सी गैस भरी जाती है। सबसे पहले एलईडी और सीएफएल में हम अंतर जानते हैं। दोस्तों, एलईडी को लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। यह उपकरणों में अब तक का सबसे बड़ा आविष्कार है, जो कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा और प्रकाश देता है। विभिन्न क्षेत्रों में ये ऊर्जा डिवाइस बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, जैसा यातायात संकेत में, खनन उद्योग में, लिफ्ट में आदि जगह। इसमें सीएफएल बल्बों की तरह पारा नहीं होता है, लेकिन इसमें लेड और निकल जैसे अन्य हानिकारक घटक शामिल होते हैं। सबसे उल्लेखनीय विशेषता एलईडी बल्ब की यह है कि इन्हें पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन अर्धचालक पदार्थ से होकर गुजरता है तो छोटे कणों को रोशनी प्रदान करता है, जिन्हें एलईडी कहा जाता है। अब बात करते हैं सीएफएल के बारे में। तो दोस्तों, सीएफएल को कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब कहते हैं। यह अन्य बल्बों से अधिक ऊर्जा देता है, लेकिन एलईडी की तुलना में थोड़ा कम देता है। सीएफएल बल्ब ऑर्गन से बने होते हैं और पारा छोटी मात्रा में होता है। प्रकाश के उद्देश्यों से इनको कार्यालयों, दुकानों, घरों और स्कूलों में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एलईडी और सीएफएल में क्या अंतर होता है। एलईडी बल्ब सीएफएल की तुलना में कम बिजली खपत करता है। सीएफएल से एक वर्ष में करीब 80% की ऊर्जा लागत होती है। एक एलईडी बल्ब की लाइफ आमतौर पर 50,000 घंटे या अधिक होती है, जबकि सीएफएल बल्ब की 8,000 घंटे तक ही होती है। एलईडी बल्ब सीएफएल की तुलना में महंगा होता है। सीएफएल के मुकाबले उनके बीच प्राथमिक अंतर यह है कि एलईडी बल्ब टिकाऊ और लंबे समय तक चलता है। एलईडी बल्ब का आकार आमतौर पर सीएफएल बल्ब से छोटा होता है। सीएफएल बल्ब का ऊपरी भाग ग्लास अर्थात शीशे का बना होता है, और अगर यह फूट जाए तो 15 वाट के सीएफएल बल्ब का ग्लास बदलवाना पड़ता है। लेकिन एलईडी बल्ब में ऐसी कोई बात नहीं होती है। इनके सारे कंपोनेंट इसके अंदर ही होते हैं और बाहर सिर्फ एक गोल और मजबूत प्लास्टिक ही निकला रहता है, जो कि कभी फूटता नहीं है। सबसे अनोखी बात यह है कि अगर बाहर वाला हिस्सा एलईडी बल्ब का फूट भी जाए तब भी यह बल्ब काम करता है, क्योंकि प्लास्टिक को सिर्फ अंदर के सामान को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीएफएल बल्ब में आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक की गारंटी ही मिलती है, परंतु अगर आप एलईडी बल्ब लेते हैं तो आपको 2 से 3 साल तक की गारंटी मिलती है। यानी अगर उस समय के अंदर आपका बल्ब खराब होता है तो आपको नया बल्ब मुफ्त में दिया जाता है। एलईडी बल्ब जलने पर गर्म नहीं होता है, जबकि सीएफएल बल्ब बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। एलईडी बल्ब वजन में सीएफएल से हल्के होते हैं। भारत सरकार की एलईडी बल्ब को लेकर एक योजना भी है, जिसके अंतर्गत आप बिजली ऑफिस में जाकर कुछ अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स जमा करके 850 रुपये में उजाला कंपनी से विभिन्न वॉट्स के 10 बल्ब ले सकते हैं, जिसमें आपको 2-2 साल की गारंटी मिलती है। परंतु सीएफएल के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है। एलईडी लाइट की खोज के लिए 2 जापानी और 1 अमेरिकी वैज्ञानिक को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें गैस कौन सी भरी जाती है। सबसे पहले लेते हैं सीएफएल बल्ब। दोस्तों, सीएफएल बल्ब कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, छोटे घरेलू लैंप के आकार के फ्लोरोसेंट लैंप है। ये आमतौर पर गर्मा गर्म प्रकाश बल्बों को बदलने के लिए अभिप्रेत है। वे मुख्य रूप से अपने कम ऊर्जा खपत के कारण गर्मा गर्म प्रकाश बल्बों की तुलना में प्रकाश उत्पादन की समान मात्रा के लिए बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। नतीजतन उन्हें हरा माना जाता है, लेकिन सभी मानव निर्मित डेविज की तरह फायदे और नुकसान भी हैं। दोस्तों, सामान्यतः सीएफएल बल्ब में ऑर्गन गैस और पारा गैस भरा जाता है। अब बात करते हैं एलईडी का। तो एलईडी बल्ब में कोई भी गैस नहीं भरी जाती है, क्योंकि यह बल्ब असल में छोटे छोटे लाइट इमिटिंग डायोड्स के क्लस्टर के रूप में होता है। बल्ब का रूप एक आउटर गोलाकार प्लास्टिक केप के द्वारा दिया जाता है, जो आसानी से
अलग हो सकती है। इसके अंदर ही एक प्लेट पर सारे एलईडी लगे होते हैं। बल्ब के आविष्कार के बाद और बेहतरीन करने की होड़ लगी हुई थी। सन 1976 में एडवर्ड ई हैमर ने CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। एलईडी बल्ब की खोज ब्रिटिश के महान वैज्ञानिक HJ राउंड ने मार्कोनी लेबोरेटरी में सन 1907 में किया था। वहीं 1997 में इसामु अकासाकी, हिरोशी अमानो और सुजी नाकामुरा ने पहला एलईडी बल्ब बनाने में कामयाबी हासिल की।